ओके, गुड मॉर्निंग। कॉपी में ये लिखिए, चैप्टर 3, चैप्टर नेम इज लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। Lean system and innovation. Number one, lean system and seven wastes. तो इसमें सात वेस्ट का नाम लिखना पड़ेगा आपको, जगह छोड़ दीजिए। नंबर टू, सिक्स टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन, सिक्स टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन। ये सब आप लोग संग संग बना रहे हैं ना, पुराना चैप्टर्स का हो गया तो हाँ पेंडिंग मत छोड़िएगा एकदम भी, फिर भूल जाएंगे सब, एकदम दिमाग से निकल जाएगा, वापस जीरो पे चले जाएंगे। सिक्स टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन, इसमें नंबर वन JIT, सब नाम सुना सुना आपका। नंबर टू काइजन। नंबर थ्री 5S। नंबर फोर टोटल नंबर फोर लिखिए सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ थोड़ा थोड़ा तो लिख देंगे ना इसके बारे में, दो दो लाइन छोड़। फिफ्थ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर फोर फेजेस, तो फोर फेजेस का जगह छोड़ना है। एट पिलर्स, उसका जगह छोड़ना है। फोर फेजेस के बाद आठ पिलर के नाम आएंगे। फिर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, शॉर्ट में OEE, उसका जगह छोड़ना है। और TQM एंड TPM। TQM एंड TPM, लिखा। नेक्स्ट नंबर सिक्स है इसमें, सिक्स सिग्मा। नाउ सिक्स सिग्मा वी आर नॉट स्टडिंग इन दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन चैप्टर टू। ये आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत यहां पे आएगा, थोड़ा बहुत यहां पे आएगा, एक बार रहने देते हैं। ये हुआ नंबर टू पूरा, सिक्स टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन। जैसे यू माइट बी आस्क्ड अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन व्हाट आर सेवरल वेज ऑफ लीन सिस्टम और व्हाट आर सेवरल वेज ऑफ सेवरल टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन। एक कंपनी लीन सिस्टम में चेंज होना चाहता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम, कैन यू सजेस्ट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लीन सिस्टम, देन यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट सिक्स ऑफ देम।
नेक्स्ट थर्ड इज जीआईटी, जिसमें उसका डेफिनेशन, जिसमें उसका प्रोसेस ऑफ जीआईटी, जिसमें तीन बात आएगा, एक रॉ मटेरियल रिलेटेड, फिर पांच छह लाइन छोड़ के WIP रिलेटेड, फिर अकाउंटिंग रिलेटेड, फिर फाइव फीचर्स ऑफ JIT, तो पांच लाइन लगेगा, फिर प्री रिक्विजिट्स ऑफ JIT, फिर इंपैक्ट ऑफ JIT ऑन प्रोडक्ट प्राइस, ओवरहेड्स एंड वेस्ट, फाइव फीचर्स ऑफ JIT, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ JIT, इंपैक्ट ऑफ JIT ऑन प्रोडक्ट प्राइस, ओवरहेड्स एंड वेस्ट्स, देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट अंडर JIT, परफॉर्मेंस मेजरमेंट अंडर JIT, इसके अंदर एट पॉइंट्स है, आठ पॉइंट है, वी हैव एट पॉइंट्स इनसाइड इट, आफ्टर दिस बैक फ्लशिंग बैक फ्लशिंग देन वी हैव थर्ड, थर्ड नहीं फोर्थ है क्या, JIT के बाद काइजन, नाउ इन काइजन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन, लीव सम स्पेस, सिक्स सेवन लाइन्स, एंड देन काइजन वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, काइजन वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें तीन चार पॉइंट आएंगे, फिर फिफ्थ 5S, and its application. Sixth, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग देखिए सबका बेसिक्स तो आप वहां पे लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा, समझ गए क्या, यहां पे जो मैं बोला ना दो दो लाइन छोड़ते जाना, तो आइडिया इज राइट बेसिक्स हियर, कि एक दो लाइन में सिनॉप्सिस कि व्हाट इज इट अबाउट, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मैंने यहां पे ब्रेकअप दे दिया, तो मैं वापस यहां पे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देन आफ्टर दिस सेवेंथ इज सिक्स सिग्मा, सिक्स
सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट चाहिए, सिक्स सिग्मा का मेथोडोलॉजीज में दो नाम आता है, एक DMAIC और दूसरा आता है DMADV. देन एट्थ है प्रोसेस इनोवेशन. एंड नाइन्थ है BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसके आपको फोर कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे और उसके प्रिंसिपल्स मिलेंगे. फोर कॉम्पोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स. हो गया भैया तैयार? फोर कॉम्पोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स. ये लिस्ट तैयार हो गया. पुराना जो आप लोग बनाए हैं मुझे दिखा के जाइएगा, आज देखो तो कितना लिखा आपने. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. लीन सिस्टम, लीन सिस्टम देखिए यहां पे भी एक बहुत बढ़िया चार्ट बना हुआ है, आप देखेंगे तो बुक में, जिसमें लीन सिस्टम के सारे टेक्निक्स का क्लियर चार्ट बताया है ये लोग. ये मतलब बहुत चार्ट में, ये एक चार्ट बहुत एग्जॉस्टिव लगता है. चार्ट तो इन्होंने हर चैप्टर में दिया है, बट दिस सीम्स मच मोर एग्जॉस्टिव. यू सी ऑल द सिक्स नेम्स आर देयर, जैसे 1 JIT, 2 Kaizen, 3 5S, 4 Total Productive Maintenance, 5th Silver Manufacturing, 6th Six Sigma. एंड देन इनोवेशन एंड BPR में प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, है ना. फिर लीन सिस्टम में भी देखिए नीचे में आके लोग 7 Waste भी बता दिया, मतलब दिस इज ऑल्सो एन एग्जॉस्टिव चार्ट. 6 Sigma में ये लोग देखिए वो DMAIC और DMADV का नाम भी बता दिया, मतलब दिस इज एन एग्जॉस्टिव चार्ट. एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ कवर करता है. एग्जॉस्टिव माने इट कवर्स एवरी डिस्कशन, एवरी हेडिंग, ठीक है. नाउ लीन मतलब होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, व्हाट डज वर्ड लीन मींस, वेस्ट. सो व्हेन वी आर सेइंग लीन सिस्टम, व्हाट डज इट मीन? अ सिस्टम वेयर वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, अ सिस्टम टू रिड्यूस वेस्ट. तो ऑब्वियसली देर इज अ नीड टू डिफाइन वेस्ट. सो लीन सिस्टम कंसिडर्स वेस्ट एज एनी अननेसेसरी एक्टिविटी. अच्छा, वेस्ट मतलब हम लोग कबाड़ सोचते हैं, कचरा सोचते हैं, स्क्रैप सोचते हैं, बट लीन सिस्टम बोलता है एनी अननेसेसरी एक्टिविटी इज योर वेस्ट. फालतू का जो काम आप कर रहे हो अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, that is a waste. Like you have also read with me in value chain, there is something called as non-value adding activity. All non-value adding activities are nothing but waste. Non-value adding activities are nothing but waste. A system to reduce waste, any unnecessary activity or non-value adding activity has been construed as waste. Now, lean system has defined 7 different types of waste. Okay, क्या क्या waste के दायरे में cover up हो रहा है. So, there are 7 names. You see this chart?
सो सेवन नेम में से यहां से शुरू करते क्लॉकवाइज. वन ओवर प्रोडक्शन, नंबर टू है ओवर प्रोसेसिंग, नंबर थ्री है मोशन, वेटिंग, इन्वेंटरी, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेक्ट्स. सात नाम है. ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल्स. जीआईटी सिस्टम को याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जीआईटी कैसे ये वाला वेस्ट को रिड्यूस किया. पुल सिस्टम में, पुल सिस्टम मतलब जितना ऑर्डर आएगा उतना ही बनाएंगे. देन ओवर प्रोसेसिंग मतलब क्या हुआ? ओवर प्रोसेसिंग मतलब, ओवर प्रोसेसिंग मतलब ये नहीं कि जला देना, जैसे घर में खाना ओवर प्रोसेस हो गया, ऐसा नहीं. ओवर प्रोसेसिंग मतलब हैविंग अननेसेसरी एक्टिविटीज इन योर वैल्यू चेन, दैट इज एक्स्ट्रा नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एग्जिस्टिंग. नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एग्जिस्ट मतलब प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है. नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एग्जिस्ट. नाउ मोशन मतलब, मोशन इज कनेक्टेड टू फिजिकल लेबर. फिजिकल लेबर वर्क अगर ज्यादा हो रहा है या एक्सेस हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं मोशन वेस्ट है ये. एक्सेस फिजिकल लेबर वर्क, इफ ए वर्कर हैज टू मूव मोर टू डू अ वर्क देन देर इज अ वेस्ट. एक छोटा सा काम के लिए अगर वर्कर को यहां से वहां जाके, वहां से यहां जाके आना पड़ता है तो दैट इज अ वेस्ट. एक छोटा सा काम के लिए वर्कर को अपना बॉडी को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करना पड़ रहा है, दैट इज अ वेस्ट. देन वेटिंग इज वॉट? वेटिंग फॉर वेटिंग हियर मीन्स, वेटिंग हियर मीन्स कि प्रोसेस वन ने ज्यादा बना दिया, प्रोसेस टू में कैपेसिटी कम है, तो इट इज प्रोडक्ट्स वेटिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप. प्रोडक्ट्स वेटिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप बिकॉज नेक्स्ट स्टेप का कैपेसिटी थोड़ा सा लो चल रहा है. इसको, इससे WIP इन्वेंटरी आ जाता है. इट एक्चुअली ब्रिंग्स WIP इन्वेंटरी. ओके, देन इन्वेंटरी मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेंटरी. ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेंटरी आर कंसिडर्ड वेस्ट, मतलब रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी भी, WIP का इन्वेंटरी भी, और फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी भी. ऑल आर वेस्ट. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब डोंट कंसिडर इट फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर स्पॉट, यू कंसिडर इट इज विद इन द फैक्ट्री. ट्रांसपोर्टेशन विद इन द फैक्ट्री, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द फैक्ट्री. ट्रांसपोर्टेशन वर्ड हियर इज टू इंडिकेट ट्रांसपोर्टेशन विद इन द फैक्ट्री, नॉट आउटसाइड द फैक्ट्री. देखिए, आउटसाइड द फैक्ट्री मे नॉट बी वेस्ट, बिकॉज इफ यू डोंट टेक द गुड्स आउटसाइड द फैक्ट्री, हाउ विल द कस्टमर्स बाय इट? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर कस्टमर्स टू कम टू फैक्ट्री टू पिक इट अप. ओके, एंड लास्टली डिफेक्ट्स इज नेचुरली अंडरस्टैंडेबल. द स्क्रैप जनरेटेड, और इफ यू हैव टू डू रीवर्क एंड ऑल after production, that is a waste. So you have to remember the seven names. The fact is you have to remember seven different types of waste. Seven different types of waste are overproduction, overprocessing, defects, motion, waiting of products before the next step, इन्वेंट्री, एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. हो गया, ठीक है. ये देखो अभी याद है, अभी फ्रेश है ना, फर्स्ट टाइम है, बट धीरे धीरे मेमोरी थोड़ा सा लैप्स होगा, उस समय आपको थोड़ा रिविजन करके रिकैप करना पड़ता है. ब्रीफ आइडिया हमेशा आपको हर चीज का रहेगा, बट एग्जाम में एक्यूरेसी चाहिए. मतलब सात नाम मतलब पूरा सात नाम आपको याद है. अब आप चार पांच लिख के छोड़ देंगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये अंदाजा मार रहा है. तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं इसको डेडिकेटेड टाइम दो तीन दिन का देना पड़ेगा. पहले बोलते थे एक दिन कर लेने से भी चलेगा, बट अब दो तीन दिन का देना पड़ेगा, तब ये थ्योरी मैनेजेबल है.
But again, everything depends on what our model test paper suggests or what our first exam of this new syllabus suggests. Okay, next. इनके लीन सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं, लीन सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं जो बोलता है कि वेस्ट रिडक्शन करने का उसूल क्या है या प्रिंसिपल्स ऑफ लीन सिस्टम क्या है कि परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी आना चाहिए. ये बात हम लोग पहले भी पढ़े थे कहां पे, टीक्यूएम में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी यही पॉइंट मैंने रेज किया था. योर प्रोडक्शन शुड बी परफेक्ट इन द फर्स्ट टाइम ओनली, देन वेस्ट मिनिमाइजेशन, यानी वही सात वेस्ट, सेवन काइंड्स ऑफ वेस्ट मिनिमाइज करना आपको. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, अदरवाइज यू विल मेक अप इन्वेंटरीज. फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग इज, you can say these are again you can say opposite of waste. अब waste को कम करने के लिए आप जो situation ultimately develop करोगे वो क्या होगा, zero waiting time, zero inventory, pull processing, continuous flow of production. continuous flow of production में वो waiting time था ना, उसको eliminate कर दिया, zero waiting वापस उसी को ही indicate कर रहा है. ठीक है, continuous finding ways of reducing process time. तो इट्स ऑब्वियस टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स में यू कैन बेसिकली राइट कि व्हाट शुड बी द फोकस एरिया. ये रिपीटेशन जैसा लगता है, मतलब इट इज नॉट हैविंग एनी न्यू फाइंडिंग हियर. नाउ नेक्स्ट इज योर जेआईटी. जेआईटी वी हैव डन ऑलरेडी इन क्लास इन गुड डिटेल, सो आई डोंट फाइंड मच रीजन टू डू अगेन इट अगेन विथ यू, बट आई विल डिस्कस द कोर पॉइंट्स व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड हियर. ठीक है, तो सीमा का डेफिनेशन जेआईटी का ये क्लास में भी पढ़ाते हैं, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा कि जेआईटी किस बारे में. जेआईटी का दो विंग होता है, एक जेआईटी प्रोडक्शन, जेआईटी परचेजिंग. जेआईटी प्रोडक्शन इज एम्ड टू रिड्यूस फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी इन्वेंटरी, एंड जेआईटी परचेजिंग इज एम्ड टू रिड्यूस रॉ मटेरियल इन्वेंटरी. ठीक है, अब यहां पे एक चार्ट दिया हुआ है. दिस चार्ट इज बेसिकली समरी ऑफ द फिलोसॉफीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. मैंने देखिए वहां पे ऊपर में बताया था जेआईटी का प्रोसेस में, आपको ऊपर समरी लिस्ट में दिया, जेआईटी का प्रोसेस में तीन पॉइंट है, एक रॉ मटेरियल को लेकर, एक डब्ल्यूआईपी को लेकर और एक अकाउंटिंग को लेकर. तो पहला पॉइंट जेआईटी का शुरू हो रहा है, ये रिलेटेड टू रॉ मटेरियल इन्वेंट्री. रॉ मटेरियल इन्वेंटरी को लेकर इन्होंने क्या क्या सिखाया मैं आपको शॉर्ट में बताते जाऊंगा. हर एक पैराग्राफ में एक एक समरी है. ठीक है, इसमें इन लोगों ने सप्लायर के साथ ऐसा अरेंजमेंट किया कि हम लोग बगल वाले सप्लायर से खरीदेंगे. इफ यू रिमेम्बर ये सब डिस्कशन, क्लोज कॉन्टेक्ट विद सप्लायर होना चाहिए और हम लोग उनसे लॉयल्टी मेंटेन करेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखेंगे. अब उसके बाद सप्लायर को यह बोला जाएगा कि आप डिलीवर करो सीधा हमारे प्रोडक्शन फ्लोर पे. नॉर्मल सिस्टम क्या होता था कि आप डिलीवरी करो स्टोर्स में, स्टोर्स वाला प्रोडक्शन में पहुंचाएगा. इनको ये वेस्ट लगता था, ये बोलते थे स्टोर्स वाला वापस प्रोडक्शन को पहुंचाएगा, मूवमेंट होगा, इससे अच्छा सप्लायर को बोलेंगे सीधा आप मशीन के सामने जाके गिराओ जहां पे उसका जरूरत है. अगर हमारा प्रोडक्शन फ्लोर एक किलोमीटर बड़ा है तो सप्लायर को दिखा देते थे कौन सा मटेरियल किस फ्लोर पे लगता है, तो आपको जो ऑर्डर किया गया है वो डिलीवर सीधा फ्लोर पे होना चाहिए, जिसे हमारा कोई आदमी स्टोर से फिर फ्लोर तक ले जाने के लिए नहीं चाहिएगा. ठीक है, तो दूसरा चीज इन्होंने बोला कि सप्लायर को ये भी बोलो कि एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम पर डिलीवर करेगा. अब पहले नहीं देके जाएगा, पहले देके जाएगा तो मेरा बुक्स में इन्वेंटरी आ जाएगा. एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम, टाइम भी मेंटेन करेगा कि इतना बजे हमें चाहिए, तो हम लोग भी इतना डिसिप्लिन से प्रोडक्शन चला रहे होंगे कि उस टाइम पे ही हमें मटेरियल का जरूरत होगा और उस समय वो लेके रेडी रहे. तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लग रहा है, बट ये लोग कर पाते थे तभी तो आगे निकले. मतलब यहां पे पॉइंट आ रहा है डिलीवर
on exact date and time. ये फर्स्ट इसके बारे में बात कर रहा है. सेकेंड वाला पॉइंट आ रहा है डिलीवरी सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे. सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे डिलीवर. अब देखिए उसका वर्ड्स भी दिख जाएगा, स्ट्रेट टू प्रोडक्शन फ्लोर. तीसरा, हम लोग चेक नहीं करेंगे आप क्या भेज रहे हैं, आप भी चेक करके देंगे. सप्लायर टू इंस्पेक्ट. सप्लायर टू इंस्पेक्ट. हाँ, हमारा स्टाफ जाके, ये जरूर है कि सप्लायर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएगा कि वो ठीक से बनाना जानता है कि नहीं जानता है. ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया गया कि इन लोग अपना आदमी को भेज देंगे सप्लायर के यहाँ पे जाके देख क्या तो ठीक से लोग करता है कि नहीं करता है, क्या मशीन यूज करता है, इन लोग को काम आता है कि नहीं आता है, नहीं तो बार बार चेक कौन करे. सो आवर इंजीनियरिंग, इंस्टेड द इंजीनियरिंग स्टाफ मस्ट विजिट सप्लायर साइट एंड एग्जामिन देयर प्रोसेस. सप्लायर टू इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल एंड वी टू इंस्पेक्ट सप्लायर प्रोसेस. वी टू इंस्पेक्ट व्हाट? वी टू इंस्पेक्ट सप्लायर प्रोसेस. सप्लायर टू इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल एंड वी टू इंस्पेक्ट सप्लायर्स प्रोसेस. फिर अब सप्लायर का और भी डिलीवर करने के बाद सप्लायर रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होता था. फिर गुड्स उसको चेक करो, चेक करने के बाद उसको एक रिसीट इशू करो. फिर सप्लायर क्या करेगा, ट्रेडिशनल सिस्टम में एक इन्वॉइस छोड़ के जाएगा. फिर इन्वॉइस को मिलाओ कि जो ऑर्डर किया था और जो गुड्स आया उससे मैच हो रहा है कि नहीं. फिर इन्वॉइस को पेमेंट के लिए अप्रूव करो, फिर पेमेंट करो. कितना एक्टिविटी था वो सब के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का इस्तेमाल किया. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब समझो एक बार कोड स्कैनर लेके बैठा हुआ है. कहाँ पे? प्रोडक्शन फ्लोर में. तो जैसे ही सप्लायर ने फ्लोर पे डिलीवर किया वो बार कोड से स्कैन कर लिया क्या क्या आया है, बस खत्म. सप्लायर से कोई चालान वालान, कोई रिसीट नोट इशू किया नहीं जाएगा, कुछ भी उससे मान लीजिए और बातचीत होगा ही नहीं. इनवॉइस इनवॉइस कुछ नहीं लेंगे उससे, समझे. प्रोडक्शन फ्लोर पे बस आदमी स्कैन कर लिया तुम क्या क्या लेके आए हो, अगर उसको लगा कि ये खराब आ गया तो वहीं पे रिटर्न कर देगा, स्कैन नहीं करेगा उसको. और जो जो एक्सेप्ट हुआ उसको स्कैन करके छोड़ देगा. सप्लायर जी आप जाइए, अरे कुछ तो साइन करके दिए, साइन वाइन कुछ नहीं करना है. हम लोग स्कैन कर लिया, अब वो हमारे सिस्टम में चला गया. हमारे सिस्टम में कोई परचेज ऑर्डर का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है. पहले क्या होता था, परचेज ऑर्डर से उसको टैली करो, भाई आया है तो ऑर्डर हुआ ही होगा, कॉन्सेप्ट सिंपल है. अब वो इकट्ठा करके महीना में एक बार पेमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, आपको माथा नहीं लगाना. मतलब वापस पेबल को लेके प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, दैट वॉज कंसिडर्ड एज वेस्ट. ठीक है. सो एज सून एज सप्लायर सर्टिफाई फॉर देयर डिलीवरी एंड क्वालिटी द कंसर्न मस्ट इंस्टॉल अ सिस्टम विच मस्ट मे बी एज सिंपलिस्टिक एज अ फैक्स मशीन और एज एडवांस एज एन EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और लिंक्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट टेल्स सप्लायर्स एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ विच पार्ट्स आर टू बी सेंड टू द कंपनी. अब EDI से यू रिमेंबर सप्लाई चेन में तीन काम था सप्लायर रिलेटेड, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट. तो सोर्सिंग तो हो ही चुका है, सोर्सिंग मतलब आइडेंटिफाइंग द सप्लायर तो हो चुका है. अब ई परचेजिंग और ई पेमेंट इसी से होगा. इसमें हम लोग अब इनसे इनवॉइस इनवॉइस नहीं मांगते हैं, आपने जो भेजा उसी को लेके आपका इनवॉइसिंग करवा देते. फिर एक और ड्राइवर्स को ड्राइवर्स देन ब्रिंग स्मॉल डिलीवरीज ऑफ प्रोडक्ट टू द कंपनी पॉसिबली गोइंग टू द एक्सट्रीम ऑफ ड्रॉपिंग देम ऑफ एट द स्पेसिफिक मशीन दैट विल यूज देम फर्स्ट. मतलब आपको छोटा छोटा डिलीवरी लाना पड़ेगा. ड्राइवर्स वर्ड उतना जुच नहीं रहा यहाँ पे, सप्लायर्स वर्ड जच रहा है. सप्लायर्स देन ब्रिंग स्मॉल डिलीवरीज ऑफ प्रोडक्ट टू द कंपनी पॉसिबली गोइंग टू द एक्सट्रीम ऑफ ड्रॉपिंग देम ऑफ एट द स्पेसिफिक मशीन दैट विल यूज देम फर्स्ट. कहां तक ड्रॉप करके आना है वो इन लोग बता रहे हैं. ठीक है.
सो दिस वॉज अबाउट रॉ मटेरियल रिलेटेड. ठीक है, इसमें बस जो हम लोग क्लास में नहीं डिस्कस किए थे और यहाँ डिस्कस कर रहे हैं भी, वो है ईडीआई का कॉन्सेप्ट. क्लास में भी बाकी सब ब्रीफ सिनॉप्सिस आपको दिया ही गया है, अभी ईडीआई को भी एक इन्फ्यूज कर दिया कि सप्लायर से कोई इन्वॉइसिंग वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, कोई इन्वॉइस देने भी नहीं बोलेंगे, ना इन्वॉइस लेंगे ना समझेंगे. भाई जो रिसीव हुआ उसी को स्कैन करके हमारा सिस्टम समझ लेगा कि ये आया है और उसी को कंसोलिडेट करके हम लोग उसको पे कर देंगे. ठीक. नाउ प्रोसेस इन विच कंपनी रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज पार्ट बी. इसका सेकेंड पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस को लेके बता रहे. अब देखिए इतना बड़ा पैरा पढ़ना एक पेनफुल अफेयर है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पूरा समरी आपको बता देता हूं. इस पैरा में ये बोल रहे हैं लोग कि मेन इनका कंसर्न है सेटअप टाइम कम करो, रिड्यूस सेटअप टाइम, सेटअप टाइम कम करो. इफ यू रिमेम्बर द वीडियो दैट वी सॉ यस्टरडे, उस वीडियो में एक पॉइंट आया था टोयोटा कंपनी का जब दिखा रहा था, तो उन्होंने बोला था इन लोगों ने डाई चेंजर का कॉन्सेप्ट रखा जो डाई को चेंज कर देता था 2 से 3 घंटा में, जबकि फोर्ड में वो काम 2 से 3 दिन में होता था. उसी को सेटअप टाइम बोल रहे हैं. सेटअप टाइम मींस एक मशीन में आज एक डाई बैठाकर कुछ बनाया जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद कुछ और बनाना है उसमें, तो डाई चेंज करना पड़ेगा. तो दैट वॉज सेटअप टाइम, उसको रिड्यूस करना है. अब वहां पे तो वीडियो क्लिप में तो वो बता रहे थे बस इन्होंने ऐसा किया, बट कैसे किया वो यहाँ पे बता रहे. कैसे किया वो बोलते हैं, यहाँ पे जो पैरा है ये बता रहा है कि इन्होंने बहुत सारे वीडियो टेप्स बनाए. और वीडियो टेप्स बनाए दोस्तों, आपको जो इतना यूनिक वीडियोस देखने को मिला उसमें क्लिप्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया था, वो मतलब उस जमाने में ये लोग एक्चुअली फैक्ट्री में वैसा वीडियो टेप्स बनाते थे जो उस वीडियो क्लिप बनाने वाले को मिला, तो उसने जोड़ जोड़ के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई. करेक्ट. किस लिए बनाते थे फैक्ट्री में, कैमरा शूटिंग क्यों करते होंगे, द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी हाउ दे कैन फर्दर रिड्यूस टाइम. ठीक है, तो द पॉलिसी हियर वॉज दे यूज टू मेक वीडियो टेप्स, वीडियो टेप्स टू एंड टू स्टडी स्टेप रिडक्शन फॉर सेटअप, स्टेप रिडक्शन फॉर सेटअप्स. इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ, देखो मेकिंग अ वीडियो टेप ऑफ अ टिपिकल सेटअप, ये देखिए मिल जाएगा आपको. देखो मेरा उद्देश्य ये कि आपको छोटा करके समझा देना और कीवर्ड्स बता देना, जिससे कि आप अगला बार टाइम इन्वेस्ट करें इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने में, नहीं तो अगली बार फिर से पढ़ के वापस तैयार करना पड़ेगा. ठीक है, फिर इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड मशीन यूजर्स एग्जामिन द स्टेप्स स्पॉटिंग एंड ग्रेजुअली एलिमिनेटिंग स्टेप्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ लेंथी सेटअप. नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में देखिए, WIP इन्वेंटरी को कम करने का उपाय एक था सेटअप टाइम. जैसे एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में सेटअप चल रहा है अभी तक, तो वेटिंग हो जाएगा ना, तो सेटअप टाइम को कम किया तो काम जल्दी चालू हो गया. अब दूसरा स्टेप में सेटअप होने के बाद भी हो सकता है दूसरा स्टेप थोड़ा सा स्लो हो, या दूसरा स्टेप में काम ज्यादा करना पड़ता है देन फर्स्ट स्टेप, तो ऑब्वियसली फिर से स्टेप 1 के बाद वेटिंग आ जाएगा या स्टेप 3 आइडल बैठा रहेगा. तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ये पहले भी सिखाया हुआ है, सबको सिंक्रोनाइज कर देना चाहिए, सबका स्पीड के हिसाब से ही उसको काम दिया जाना चाहिए. जरूरत पड़े तो और स्टेप जनरेट कर लो. जैसे स्टेप 2 में अगर मान लीजिए ज्यादा काम है और उसके कारण स्टेप 3 को वेट करना पड़ रहा है, स्टेप 1 एक्स्ट्रा बना रहा है, तो आपको स्टेप 2 को फर्दर फ्रैगमेंट करना चाहिए जिससे कि वेटिंग कम हो जाए. ओके, तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइज स्पीड ऑफ डिफरेंट मशीन्स, स्पीड ऑफ डिफरेंस डिफरेंट मशीन्स. जिसके लिए सिंक्रोनाइज करने के लिए जापानी सिस्टम में एक था कि जैसे स्टेप 2 जब
खत्म करने लगे तब स्टेप वन को बोलो तुम बनाना. स्टेप वन कब बनाएगा? जब स्टेप टू का हाथ का काम खत्म होने लगे. ऐसा नहीं कि स्टेप वन का हाथ का काम खत्म तो स्टेप वन बनाना शुरू. स्टेप टू में ब्लॉकेज आ रहा है ना, उधर काम ज्यादा है, तो स्टेप टू जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक स्टेप वन नहीं बनाएगा. इसको बोलते हैं एन इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम टू प्रोड्यूस, विच वॉज इन जैपनीज नेम कॉल्ड एज कैनबेन कार्ड. In that a downstream machine sends to each machine that needs its parts, authorizing the production of just enough components to fulfill the production requirement. ये क्लास में भी हुआ था. Kanban. Kanban is an authorization. Kanban is what? A notification, an authorization to produce. जो busy step जो है या जिसमें ज्यादा load है वो भेजता है previous step को कि अब आप बनाओ, हम लोग का हाथ खाली होने वाला है. ठीक है. कैनबेन इज एन ऑथराइजेशन बाय डाउनस्ट्रीम स्टेप टू अपस्ट्रीम स्टेप्स. नंबर बी सेकंड इज, देखिए एक और इन्होंने काम किया कि सिमिलर एक्टिविटीज को और सिमिलर मशीन्स को एक ही जगह ले आइए, ग्रुप करिए. ग्रुप करने से फायदा क्या है? अच्छा, इसी ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जो ऑलरेडी एक टॉपिक बन के भी आने वाला है. सिमिलर मशीन्स को ग्रुप करिए. ग्रुप करने से जो वर्कर है उसको ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता. तो इससे ये देखा गया कि एक स्टेप में आके अगर कोई काम था उसमें दो तीन मशीन रखे हुए थे, अब अलग अलग जगह अगर वो मशीन रखे हुए हैं तो उस स्टेप को करने में टाइम लग जाएगा. तो ग्रुपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी था. और वो ग्रुप करने का स्टाइल ऐसा था कि कुछ नीचे लगा दिया, कुछ ऊपर लगा दिया, कुछ साइड में लगा दिया, कुछ ऊपर लगा दिया, समथिंग लाइक दैट. एक डिजाइन तैयार किया जाएगा जिससे कि उस स्टेप का काम जल्दी हो जाए. सो ग्रुप मशीन्स इनटू वर्क सेल्स, इसको इसी को हम लोग सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट से जानते हैं, जिसमें हम लोग ग्रुपिंग करते हैं. सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यही है. सिमिलर मशीन्स आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए. ठीक है, सिमिलर मशीन्स आपको इकट्ठा करना चाहिए जिससे कि एक स्टेप फास्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं. देखिए पहला था मेकिंग वीडियो टेप्स, नंबर टू था सिंक्रोनाइजिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट मशीन्स, नाउ थर्ड आ रहा है टू रिड्यूस वर्क इन प्रोग्रेस. व्हाट दे डिड, दे यूज टू हैव मल्टी स्किल्ड वर्क फोर्स. नाउ मल्टी स्किल्ड मतलब वर्कर्स को सारे काम करने पड़ेंगे. इफ यू रिमेंबर इन यस प्रीवियस वीडियो टेप ऑल्सो दे वेर सेइंग दैट वर्कर्स वेर सपोज टू डू वैरायटी ऑफ जॉब्स, क्लीनिंग, स्टार्टिंग द जनरेटर्स और मेंटेनेंस ऑल्सो. मतलब दे वेर ओनली आस्क्ड टू डू दैट एंड दे वेर ओनली आस्क्ड टू सुपरवाइज वॉट अदर्स आर डूइंग. So that they don't need lot of supervisors. If there is any problem, they can immediately stop the machines if they find any problem. Why should a person be there to stop the machine? If workers working there are not comfortable with the quality of the product or they find something disturbing, they can immediately stop the machine. Multi-skilled workforce mein yahi bola ja raha hai ki they can take a call like a maintenance staff, okay? Support errors, understand how the entire system flows and when to halt the production process to fix problems. ये चीज जापानीज ने अपने वर्कर को दिया ये अधिकार, जबकि फोर्ड ने ऐसा अधिकार अपने वर्करों को कभी नहीं दिया कि आप प्रोडक्शन सिस्टम को स्टॉप करो. ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देम पीरियोडिकली एंड इससे वर्क सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा आने लगा. मोनोटोनस वर्क जो हो जाता था एक ही स्टेप रिपीट कर करके, वो मोनोटोनसनेस कम हो गया वर्करों में. वर्कर वेर सीन मोर एंथुजियास्टिक. यहां पे दिया हुआ है मोनोटोनस को लेके, वो लोग का कंटिन्यूअसली क्वालिटी ऑफ वर्क के प्रति दिमाग चलना बंद हो जाता था. ये पुराना अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच इज टू हैव वन एम्प्लॉय मेंटेनिंग वन मशीन विच इज सो मोनोटोनस. तो मोनोटोनसनेस को कम कर दिया बाय हैविंग डिफरेंट लोड फॉर वर्कर्स. एंड फोर्थ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉपिंग द मशीन इफ वेन एवर रिक्वायर्ड. जो आपने देखा टोयोटा ने भी किया और आपको याद हो ह्यूंडई में भी इंजीनियर यही बता रहे थे
कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिक इतना होने के बावजूद वर्कर्स को पूरा अधिकार है कि जब भी उनको कुछ गड़बड़ लगे तो असेंबली लाइन को वो स्टॉप कर सकते हैं। और एक्चुअली क्या है, असेंबली लाइन स्टॉप होना इज लाइक यू नो, जैसे ट्रेन में अपने चलते वो चेन पुल करने का ऑप्शन होता है ना, तो आपको प्रॉब्लम हुआ आप चेन खींच दिए, तो इमेजिन 19 बॉगीज है, 20 बॉगीज है, उसमें जितने पैसेंजर है सब रुक जाएंगे। तो इट इज अ बिग थिंग, व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप द ट्रेन? इट्स लाइक दैट ओनली। असेंबली लाइन में 200 वर्क स्टेशन काम करे, 200 वर्क सेल काम करे, द लाइन इज रनिंग अप टू किलोमीटर्स। इमेजिन लाइन इज रनिंग इन किलोमीटर्स, एंड इफ यू हैव स्टॉप्ड हियर ऑब्वियसली द एंटायर सिस्टम विल स्टॉप फॉर सम टाइम। सो यू शुड हैव अ स्ट्रांग रीजन फॉर स्टॉपिंग द मशीन। ओके, स्टॉपिंग द मशीन्स सो दैट दे फिक्स इट ऑन द स्पॉट। और इसमें एक और था, वर्करों को ये भी ट्रेनिंग मोटिवेशन दिया जाता था इन लोगों के यहाँ कि अब ये स्टॉप कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ के सिगरेट पीने चले गए, चलो अब अपना काम क्या है, जब चालू होगा तब समझेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सबको पता चल जाएगा कहाँ पे स्टॉप किया गया, क्यों स्टॉप किया गया है, वो जाके सब एक दूसरे का मदद करेंगे और उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। स्टॉपिंग डजेंट मीन कि जिसने स्टॉप किया वो समझे, सबको वहां जाना होगा एक बार अपना काम छोड़ के टू फाइंड आउट कि हुआ क्या है, मैटर क्या है एंड वेयर द प्रॉब्लम इज। वो जरूरी नहीं है कि उसका वर्क सेल में प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम कहीं पे भी देखेगा वो स्टॉप कर सकता है, इतना अधिकार उसको दिया गया है। तो इससे क्या वर्कर को भी थोड़ा सा फील आता है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मेरा डिसीजन का भी वैल्यू है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है ये यहां से काट दीजिए, गलत है, यहां पे नहीं आएगा, वो नेक्स्ट में रिपीट है। कट कर दीजिए यहां से। देन थर्ड इज सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम, दिस इज नंबर सी। एंड सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में मैंने आपको बोल दिया वो सप्लायर का अकाउंटिंग कैसे लोग करेंगे, सप्लायर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ये बैक फ्लश सिस्टम जो था उसी को डिस्क्राइब कर रहे, दे आर डिस्क्राइबिंग देयर अकाउंटिंग सिस्टम एज बैक फ्लश सिस्टम। नाउ व्हाट इज बैक फ्लश सिस्टम, एक बार वापस याद दिला दे क्योंकि वहां पे फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। बैक फ्लश सिस्टम में ये लोग बोलते हैं हम लोग कोई अकाउंटिंग करते ही नहीं, तो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना पेमेंट करना है नहीं करना है। देखिए सप्लायर को क्या बोला गया, कोई चलान वलान मत भेजो, हम लोग भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आप जो भेजा उसको स्कैन कर लेगा और उसी के हिसाब से पेमेंट होगा। बट ये तो मतलब तब है जब आपका सिचुएशन बहुत अच्छा है। JIT में ये वाला कब करते, इसको हम लोग बोलते हैं बैक फ्लश का वेरियंट वन, जिसमें यू आर लिटिल प्रोएक्टिव। बट जब इसके भी पीछे जाते हैं और सोचते कि किस तरह से हमारे किस तरह से सप्लायर को ट्रीट किया जाता था, तो इन लोग बोलते थे कि हम लोग वो स्कैन अभी नहीं करेंगे, आप जो भेजे वो देख दीजिए, मशीन में चढ़ा दीजिए, जाइए एंड गो होम, तो साइन करके दीजिए, कुछ नहीं करेंगे, विश्वास है तो काम करिए। तो पेमेंट कैसे आएगा, तो पेमेंट ऐसे आएगा कि हम लोग अभी बना लेते फिनिश गुड्स, और हम लोग के यहाँ वेस्ट तो होता नहीं है, फिनिश गुड्स यूनिट्स जितना आया उस समय हम फिनिश गुड्स को स्कैन करेंगे, कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बना उसको स्कैन करेंगे, फिर हमारे पास आपका बिल ऑफ मटेरियल है। बिल ऑफ मटेरियल मीन्स द डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल दैट आर सपोज टू बी यूज फॉर वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। सो इफ वी हैव गॉट 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड वन यूनिट इज सपोज टू टेक 2 kgs ऑफ रॉ मटीरियल, सो 200 kgs वी विल अज्यूम दैट वी हैव कंज्यूम्ड, एंड वी विल ऑल्सो अज्यूम दैट वी हैव purchase that from you and will make that payment to you. But there is a dispute. Obviously there can be dispute. क्या dispute हो सकता है, वो बोलेगा नहीं मैं तो 225 भेजा था, 25 आपका कहाँ हुआ आप खोजो। तो फिर genuinity बोलता है ऐसे cases में, जब आप इतना supplier को बांध रहे हो तो आप एक बार खाली finished goods को scan नहीं करके एक बार round लगा लो कि कोई scrap generate हुआ था क्या। तो अगर scrap generate हुआ तो उसका adjustment आप करिए accordingly finished goods के ऊपर, उसका एडजस्टमेंट लेकर रॉ मटेरियल का काउंटिंग बढ़ाइए क्योंकि स्क्रैप के लिए भी मटेरियल आता है। हाँ, एक और थोड़ा सा और आगे जाके जेन्युइनिटी बोलता है कि एक बार देख लीजिए जहां पे वो मटेरियल छोड़ के जाता है सप्लाई, उस फ्लोर पे कुछ इन्वेंट्री रह गया क्या थोड़ा सा, तो उसको भी एड कर लीजिए, फिर सप्लायर को कंसोलिडेटेड अमाउंट मंथली पेमेंट कर दीजिए।
इससे क्या हुआ, रिसीवेबल्स रिलेटेड जो अकाउंटिंग सिस्टम था वो सब जीरो हो गया, टाइम बचा, वेस्ट रिडक्शन हो गया, और टाइम ही बचाना इनका मेन खेल था। तो आज भी बोलते हैं कई दफे, अब क्या देखिए ये जब पहले जमाने में आया तो उस समय इतना कंप्यूटर था नहीं, तब ये लोग लगाया, और उस समय मुझे लगता है जमाने की जरूरत ये थी, सप्लायर भी मजबूर था बेचारा, चलो उसको भी विश्वास पे काम करना था, कि सप्लायर को लगता था चलो काम तो मिला मेरे को, उसको भी विश्वास पे चलाना था। मतलब जो हम लोग नॉर्मली क्या होता है ना, छोटे बिजनेस को विश्वास पे चलाते हैं, जवान पे चलाते हैं, एक दूसरे का फेथ पे चलाते हैं, वैसे वो लोग चला रहे थे। बट हुआ क्या, जैसे जैसे ये लोग दोनों ग्रो करने लगे, ये लोग अपने बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किए, ट्रांसपेरेंसी देकर, मतलब सप्लायर को इतना हक था कि आप पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट घूम लो, जाओ एकदम इनर तक जाके आ जाओ, जिस मशीन में हम लोग का काम होता है वहां तक देख के आ जाओ, आप खुद गिन लो आके कितना फिनिश गुड्स बना, आप खुद देख लो हमारे यहाँ वेस्ट होता है कि नहीं होता है, इतना ट्रांसपेरेंसी रखा, और सब में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को इन्वॉल्व कर दिया कि सप्लायर को क्वेश्चंस नहीं आए, इसलिए ये मॉडल चल गया, ठीक है। एंड दैट ओनली दे आर टॉकिंग इन सपोर्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे इसका अगर मैं समराइजेशन बोलूं तो इसमें बोल रहा है नो इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर, मंथली कंसोलिडेटेड पेमेंट, क्वांटिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल delivered is equal to quantity of finished goods into bill of material into standard material required per unit plus adjustment for scrap plus raw material inventory. तो ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ आपका सिंप्लीफाई हो गया, सारी कहानी मैंने इसमें तोड़ के आपको बता दी। आगे बढ़े, देन देखिए फाइव मेन फीचर्स ऑफ JIT, वो मैंने वहां पे हेडिंग में भी दिया था आपको, फाइव फीचर्स ऑफ JIT कि सेफ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। बोल्ड वाला चीज को देखिए सब समझ में आएगा, हैंडलिंग कॉस्ट मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, मटेरियल्स मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, ये चीज को इन लोग रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे रिड्यूस किए, दिस इज बाई हैविंग दैट सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का फायदा क्या हुआ कि सिमिलर मशीन ग्रुप किए हुए तो मटेरियल को ज्यादा मूव करना नहीं पड़ता, आदमी को ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता, है ना। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज रिड्यूस बाय सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। नंबर टू, हायर एंड रिटेन वर्कर्स हु आर मल्टी स्किल्ड, जिससे कि लेबर आइडल टाइम गेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि उसको खाली बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मल्टी स्किल्ड वर्कर मिलने से उसको कहीं पे भी आप एंगेज कर सकते हो। थर्ड, JIT क्रिएट्स अर्जेंसी फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। फोर्थ, कंपनी कैन रेस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड फास्टर, बिकॉज इनके यहां पे प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस करने का कॉन्सेप्ट है,
इन लोगों ने सेटअप टाइम रिड्यूस किया विच मेक्स प्रोडक्शन इन स्मॉलर बैचेस एंड रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल, तो जल्दी से डिमांड मीट कर पाते, तभी तो वो नाम पड़ा जस्ट इन टाइम, दैट्स वाई द नेम जस्ट इन टाइम एग्जिस्ट, दैट्स वाई द नेम जस्ट इन टाइम. Then carefully selected suppliers, fifth feature, delivering high quality of materials in a timely manner, reducing the material receipt time. So material receipt time इन्होंने reduce किया. देखिए ultimately rule था वो सात waste जो थे ना, it is all talking in the sense of seven waste. सेवन वेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं, आप ऐसा सोचिए. फाइव फीचर्स लिखा है बट एक्चुअली सातों वेस्ट रिड्यूस हो रहा है. आप देखिए यहां पे, वहां पे मोशन वाला पॉइंट था ना, ये पॉइंट मोशन को सपोर्ट कर रहा है. दूसरा वहां पर वेटिंग टाइम था, वो मान लीजिए इसको इंडिकेट कर रहा है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मोशन. देन डिफेक्ट्स वाला पॉइंट था, देन ओवर प्रोडक्शन वाला पॉइंट था, देन मटेरियल रिसीट टाइम भी वेटिंग को ही एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है, या फिर आप इसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में भी डाल सकते हैं, किसमें भी डाल सकते हैं. इससे मटेरियल रिसीट टाइम कम हुआ ना, तो वेटिंग टाइम पे भी असर आया एज वेल एज इन्वेंट्री पे भी असर आया. मतलब आउटलाइन ऑफ थिंकिंग पता चल गया कि वेस्ट रिडक्शन चल रहा है भाई, सीधा सा बात. जेआईटी का उद्देश्य यही है, लीन सिस्टम. लीन सिस्टम मतलब वेस्ट रिडक्शन. हाँ बोल सकते हैं, यहां पर मोशन भी बोल सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं. फर्स्ट वाले में ट्रांसपोर्टेशन एंड मोशन दोनों ही बोल सकते हैं. नाउ एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ जेआईटी, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे ये सब केस स्टडी क्वेश्चन में बहुत हेल्प होता है, इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी क्वेश्चन. जैसे आपको क्वेश्चन जनरेट करके देगा, एक डेटा पूछेगा, बताओ इस कंपनी को जेआईटी लगाने में फायदा होगा कि नहीं होगा. तो आपको देखना होगा कि उनके यहां ये सब क्राइटेरिया मीट होता है कि नहीं. जेआईटी इज फॉर लो वैरायटी ऑफ गुड्स, वेंडर रिलायबल होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन मतलब वही ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, देन डिमांड स्टेबिलिटी, देन TQM, देन डिफेक्ट फ्री मटीरियल, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ये सब अगर आप अपने यहां ला पाएंगे तो ही जेआईटी में जाइएगा. जैसे लो वेराइटी, आई थिंक लो वेराइटी एंड वेंडर रिलायबिलिटी आर द क्रीमेस्ट ऑफ पॉइंट्स. लो वेराइटी ऑफ गुड्स होना चाहिए. अच्छा, लो वेराइटी ऑफ गुड्स को ओवरकम किया जा सकता है और इन्होंने किया. इट कैन बी ओवरकम्ड बाई, रदर आई विल से हाई वेराइटी ऑफ गुड्स कैन बी मैनेज्ड बाई रिड्यूसिंग सेटअप टाइम, कैन बी मैनेज्ड बाई रिड्यूसिंग सेटअप्स. आपको याद हो जनरल मोटर का एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया, किस तरह की फैसिलिटी बनाई थी जनरल मोटर में. शेवरले कैसे बना था, कंपटीशन देने आया फोर्ड को. फोर्ड क्या करता था, इतना बड़ा असेंबली लाइन से सिर्फ एक ही मॉडल निकालता था. जनरल मोटर ने छोटे छोटे फैसिलिटीज बनाए जिससे वो अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग फैसिलिटीज बना के अलग अलग वैरायटी निकाल लेता था. तो उससे कॉस्ट ज्यादा आता था बट कस्टमर देने रेडी था क्योंकि उसको नया तरह का वैरायटी मिल रहा था. और यही चीज जब जेआईटी में आया, यानी जापानीज इन लोग जब यूज किए, तो उन्होंने बाकी और चीजों पे भी ध्यान देकर उसका कॉस्ट भी कम कर दिया. मतलब छोटा छोटा वैरायटी को लेकर ही काम किया और वेरिएशन भी दिया एट लोअर कॉस्ट. देन इंपैक्ट ऑफ जेआईटी सिस्टम ऑन थ्री थिंग्स, प्रोडक्ट प्राइस रिड्यूस होगा, ओवरहेड रिड्यूस होगा, वेस्ट कॉस्ट रिड्यूस होगा. ऑल थ्री विल गेट रिड्यूस्ड. All gets reduced.
देन नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन JIT, ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप पता लगाओगे कि आप जो कंपनी चला रहे हो वो सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. हाउ विल यू मेजर द परफॉर्मेंस. पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है मशीन यूटिलाइजेशन को लेके. नाउ अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता था दोस्तों कि मशीन यूटिलाइजेशन पूरा करना ही पड़ेगा बिकॉज मशीन बहुत एक्सपेंसिव होते थे, कैपिटल बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता था, तो लगता था कि उसका पूरा यूज़ निकालने का एकमात्र तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर उसको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे आउटपुट निकाल लें. ये ट्रेडिशनल सिस्टम था कि जस्टिफिकेशन ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स वुड बी ओनली व्हेन यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फ्रॉम दोज मशीन्स. बट JIT डिड नॉट बिलीव इन दैट. JIT पहले तो बोला कि बड़ा मशीन का जरूरत ही क्यों है, छोटा छोटा मशीन लीजिए और ग्रुप करिए. जब उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही कम है तो उसका जस्टिफिकेशन कम है, और जस्टिफिकेशन कम है तो प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो इन्वेंट्री कम है, वेस्ट रिडक्शन हो गया. ठीक है, तो ये बात को इन्होंने यहां पे बोला है. ऑल्सो मशीन सेल्स इन JIT टेंड टू बी स्मॉलर एंड लेस कॉस्टली, सो देयर इज लेस नीड टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट इन दीज स्मॉलर मशीन्स बाय प्रूविंग दैट दे हैव बीन heavily used. Now another inappropriate measure in any type of piece rate tracking for each employee. जैसे traditional system में workeron को motivate करते थे produce more, don't give time too much on quality, but you give more time on quantity. ओके, सो द मोर द क्वांटिटी द मोर विल बी योर वेजेस. पीस रेट सिस्टम का आविष्कार ही तभी हुआ था, पीस रेट सिस्टम का आविष्कार ही तभी हुआ था कि आपको रेट पर यूनिट मिलेगा ना कि रेट पर आवर. तो उससे हुआ क्या, क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी कम. तो क्वालिटी पे रोक लगाने, क्वालिटी पे मान लीजिए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए लोगों का वापस से पीस सिस्टम को खारिज करना पड़ा. JIT बिलीव्ड मोर रिवॉर्ड ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी. तो इन्होंने परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्वालिटी से किया देन क्वांटिटी, ये यहां पे बोल रहा है. ये बोल रहा है एनी पीस रेट सिस्टम, देखिए मिला आपको, अकॉर्डिंगली एनी पीस रेट सिस्टम मस्ट बी एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस विथ मेजर्स दैट फोकस इंस्टेड ऑन क्वालिटी ऑफ आउटपुट और द नंबर ऑफ एम्प्लॉय सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द सिस्टम. मतलब क्वालिटी पे रिवॉर्ड करो और सजेशंस ऑन इंप्रूवमेंट पे रिवॉर्ड करो. पीस रेट सिस्टम हटा दीजिए. फिर दूसरा था, ट्रेडिशनली लेबर एफिशिएंसी को ट्रैक करते रहते थे. लेबर एफिशिएंसी मतलब होता है प्रोडक्टिविटी पर आवर. व्हाट इज लेबर एफिशिएंसी? लेबर एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्टिव पर आवर या प्रोडक्शन पर आवर. मतलब अगेन बात वही हो गई ना, क्वांटिटी. दिस अगेन इंडिकेट्स फोकस ऑन क्वांटिटी विच वॉज अवर ट्रेडिशनल मेजर. यही तो ट्रेडिशनल था, विच वॉज अवर ट्रेडिशनल मेजर. बट नाउ JIT बोलता है हमें वर्करों को सजेशंस देने में इंगेज करना चाहिए, हमें वर्कर का प्रोडक्टिविटी पर आवर नहीं देखना चाहिए. जो ज्यादा सजेस्ट कर पा रहा है, जो ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है, उसको रिवॉर्ड करना है. ओके, ये लोग बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी ट्रैकिंग इज अनप्रोडक्टिव, इज अ वेस्ट. ऑल दिस लेबर ट्रैकिंग इज अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी. देखिए ओके, लेबर एफिशिएंसी ट्रैकिंग जो था ना प्रोडक्शन पर आवर, दैट वाज नॉट एन इजी जॉब. प्रोडक्शन पर आवर जानना, अब क्या तो कोई आदमी खड़ा हो जाए वर्कर के पीछे तब देखे कि एक घंटा में तूने कितना बनाया. तो उसके लिए बहुत सारा सिस्टम बनाना पड़ता था. पंचिंग सिस्टम होता था जिसमें
कोई भी काम शुरू करेगा उसके पहले एक कार्ड डालेगा, समझ गए? कोई भी काम शुरू करेगा उसके पहले एक कार्ड डालेगा, फिर काम खत्म होगा फिर कार्ड निकालेगा, और फिर एक आदमी आएगा वो टाइम कैलकुलेशन करेगा. तो पर्टिकुलरली देर वेर लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्शन पर आवर. मतलब बहुत सारे टीम लगते थे तो प्रोडक्शन पर आवर पता चलता था, उसको रोकना था. देन नेक्स्ट यू सी यहां पे बोल रहे हैं ये लोग, यहां पे बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर को बढ़ाना है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको याद है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शुड बी हाईएस्ट, और वो तब पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन कर पाते हैं. जैसे टोयोटा जब ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया तो उसने 70 टाइम्स अपना इन्वेंट्री टर्नओवर बना लिया अ ईयर. 70 टाइम्स इज अ ह्यूज फिगर. आप लोग रेशियो एनालिसिस पढ़े हैं, किसी सब में 70 टाइम इन्वेंट्री टर्नओवर नहीं आता था, जबकि कॉमन चलता है इंडस्ट्री में 2 से लेके 10. देखिए ना, टोयोटा हैव बीन नोन टू एक्सीड 70 पर ईयर एज अपोज टू 2 to 10 पर ईयर बाई अदर कंपनीज. दूसरा इन्होंने बोला सेटअप टाइम रिड्यूस करना है, वो तो वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसी के अंदर चल रहा है ये. ए इन्वेंट्री टर्नओवर, बी सेटअप टाइम. तीसरा इन्होंने बोला कस्टमर कंप्लेंट्स को रिड्यूस करिए. कस्टमर्स का जब कंप्लेन आता है शुड बी ग्रीटेड विथ ग्रेवेस्ट कंसर्न एंड इन्वेस्टिगेटेड इमीडिएटली. चौथा स्क्रैप के ऊपर फोकस करिए, लिटिल वेस्ट शुड बी जनरेटेड बाय द सिस्टम. नंबर ई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. इफ यू रिमेंबर TQM में सिखाया गया था कॉस्ट ऑफ क्वालिटीज, अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट इनकर करके आप इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट को कम करते हैं. तो यहां पे ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कंटिन्यूअसली ट्रैक करिए. यहां पे ये बोल रहा है ट्रैक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड रिड्यूस फेलियर कॉस्ट. नंबर डी कस्टमर सर्विस पे ध्यान दीजिए. एंड कस्टमर सर्विस आपको ये थोड़ा बहुत है ना, एक आइसबर्ग मॉडल आपको बताया गया था TQM में, उससे पॉइंट्स मिलेगा. कस्टमर सर्विस में ये लोग बोल रहे हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी दीजिए, डिलीवरी पूरा क्वांटिटी का दीजिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा भेजेंगे. रिटर्न मत लीजिए, नॉट हैविंग प्रोडक्ट्स रिटर्न बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, डिलीवरी प्रोडक्ट ऑन द डेट्स रिक्वायर्ड. ये सब बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर जनरली बाकी सब ने ध्यान नहीं दिया. जैसे TQM और JIT में अगर फर्क बोलोगे तो TQM ने फोकस किया सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर, एंड फॉर दैट उन्होंने बोला पूरा ऑर्गेनाइजेशन को पीछे पड़ना पड़ेगा. बट JIT ने वो आइसबर्ग मॉडल का जो नीचे वाला पोर्शन था उस पर भी वर्क किया, कस्टमर कंप्लेंट्स पे काम किया, JIT ने सेटअप टाइम को रिड्यूस किया, JIT ने ऑन टाइम डिलीवरी पे काम किया, JIT वालों ने सारे ऑर्डर्स जब भी आते थे पूरा पूरा क्वांटिटी बना के डिलीवर करने की कोशिश किया, कभी कोई रिटर्न को एनकरेज नहीं किया, और ऑब्वियसली आइडियाज जनरेटेड के ऊपर भी रिवॉर्ड उन्होंने देना शुरू किया. ये आइडियाज जनरेटेड बाय एम्प्लॉइज, ऑफ कोर्स अ JIT सिस्टम वर्क्स बेस्ट व्हेन एम्प्लॉइज पिच इन विद हंड्रेड्स ऑफ सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स. ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंगली परफॉर्मेंस मेजरमेंट जब अपने करते थे तो परफॉर्मेंस मतलब हम लोग बोलते हैं कितना कमाया, प्रॉफिट. बट यहां का जितना परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, यू सी इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट, इट इज ऑल नॉन फाइनेंशियल, विच लीड्स टू बेटर फाइनेंशियल्स इन लॉन्ग टर्म. तो JIT का अगर आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट का फोकस बोलोगे तो फोकस वॉज ऑन नॉन फाइनेंशियल एरियाज, जिससे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज ऑब्वियसली इंक्रीज इन फाइनेंशियल. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज ऑटोमेटिकली सीन ऑन फाइनेंशियल्स.
लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज ऑटोमेटिकली सीन ऑन फाइनेंशियल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज बैक फ्लशिंग इन अ जेआईटी सिस्टम, जिसका बेसिकली कनेक्शन है वो अकाउंटिंग सिस्टम से, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, ये क्लास में भी बताया गया है, ये आप एसजीसी नोट से भी रेफर करेंगे, एसजीसी नोट से भी रेफर करेंगे. अभी बैक फ्लश समझाया ना मैंने कि पूरा फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा, फिर उसको स्कैन करेंगे तो पता चलेगा आपने कितना मटेरियल हमें डिलीवर किया है, और उसमें जो एडजस्टमेंट्स करना है वो करके पेमेंट कर देंगे. इसके फोर डिसएडवांटेजेस हैं. नंबर वन, इसमें प्रोडक्शन रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हुआ तो फंस जाएंगे आप. जैसे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का रिपोर्ट ठीक नहीं बन रहा है, इधर उधर इन्वेंट्री पड़ा रह गया जो रिपोर्ट में आया नहीं, तो सप्लायर के साथ धोखा हो जाएगा, सप्लायर आपके साथ अग्री नहीं करेगा. दूसरा, स्क्रैप रिपोर्टिंग अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं सप्लायर के साथ इनजस्टिस हो जाएगा. तीसरा, लॉट ट्रेसिंग. नाउ लॉट ट्रेसिंग इज अ कॉन्सेप्ट. तीसरा है लॉट ट्रेसिंग. नाउ व्हाट इज लॉट ट्रेसिंग? लॉट ट्रेसिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर आप हर बैच प्रोडक्शन को एक नंबर दे देते हैं, लॉट नंबर, जिससे कि अगर कल को आपको खबर मिला कि वो चीज गड़बड़ बन गई थी तो आपको पूरा लॉट रिकॉल करने का सुविधा मिलता है ना. गाड़ियों में बहुत कॉमन होता है, जैसे गाड़ी में इतना बड़ा असेंबली स्टेशन से बनते हुए आ रहा है, पता चला एक स्टेप ही ओमिट हो गया था, ऐसा हो जाता है कई बार. तो लॉट ट्रेसिंग अगर नहीं करते आप, गाड़ी में बैच नंबरिंग नहीं करते, तो आपको पता नहीं चलेगा किस किस गाड़ी में प्रॉब्लम है. तो जनरली क्या होता है, गाड़ियों में अगर एक स्टेप मिस हो जाता है तो बाद में कस्टमर सर्विस सेंटर पे कंप्लेन आते हैं, उन लोग उसको इतना सीरियसली लेते हैं कि दे एक्चुअली रिकॉल ऑल द कार्स सोल्ड विद दैट बैच नंबर. एंड अगर उसका कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन है या ऑलरेडी कोई प्रोसेस बना हुआ है तो उसको तुरंत सुधार देते. वो रिकॉल का कॉन्सेप्ट के लिए लॉट ट्रेसिंग बनाया गया है. एंड फोर्थ इज इन्वेंट्री एक्यूरेसी. अगर नहीं हुआ इन्वेंट्री एक्यूरेसी रिपोर्टिंग नहीं हुआ तो अगेन जेआईटी का पूरा सिस्टम हिल जाएगा, नोबडी विल बी विलिंग टू वर्क विथ यू. सो इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या है? तो इन चारों को परफेक्ट करना है. लॉट ट्रेसिंग करना चाहिए, मतलब हर हर प्रोडक्ट के पीछे लॉट नंबर डाल देना चाहिए. यू शुड हैव अ लॉट नंबर. बैच कॉस्टिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन रिपोर्टिंग परफेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन स्टाफ को एडिक्वेटली ट्रेन करिए. आप उनको सिस्टम लाके दीजिए, सॉफ्टवेयर लाके दीजिए, जिससे कि वो लोग उसमें एरर ना कर पाए. इन्वेंट्री एक्यूरेसी के लिए आपको प्रोडक्शन स्टाफ या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टीम है उसको थोड़ा ट्रेन करके रखना है, जिससे कि वो लोग इन्वेंटरी रिपोर्टिंग में एरर ना करें. इसी का सारा बातचीत यहां पे दिया हुआ, आप देखेंगे प्रोडक्शन, स्क्रैप, लॉट ट्रेसिंग, इन्वेंटरी एक्यूरेसी. एंड देन इसी का सोल्यूशन बता रहा है कि यहां पे इसका सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन ऑफ अबव. Moving a few reliable employees into these positions can provide immediate relief. Experience shift supervisor. So, success of backflush system is directly related to company's willingness to invest in a well-paid, experienced and well-educated staff that undergoes little turnover.
ये क्राइटेरिया है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बैक फ्लश सिस्टम सक्सेसफुली चलाना है तो यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ। फिर एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का आपको केस स्टडी दिया हुआ है कि उन्होंने जेआईटी अपने नासिक प्लांट में लगा के दिन का 150 कार बनाना शुरू किया, केस स्टडी दिया हुआ है। और ये वीएसएस सर्विस इज केस स्टडी नंबर टू, दिस इज केस स्टडी नंबर टू। वीएसएस सर्विस एक बहुत बड़ा साउथ इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट में एंगेज्ड है। तो उन्होंने जेआईटी लगाकर अपने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को इम्प्रूव किया। फिर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहां पे, इट इज सेम एज द वन दैट वी डन इन क्लास, सेम एज जेआईटी चैप्टर सम, सेम मतलब सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली सेम आई विल से, सिमिलर टू जेआईटी चैप्टर सम ऑफ एसजीसी मैट, फिगर्स आर चेंज्ड, तो यू शुड ट्राई इट आउट। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, यहां पे सिर्फ मुझे दो सम पूरे मैट में ऐसे लगे जो हमारे पुराने मैट में नहीं थे, मतलब इंस्टीट्यूट ने कभी उसको नहीं पूछा था। उसके अलावा जितने सम्स इस बुक में हैं वो क्या तो आपके ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में आए हुए हैं या आपके ऑलरेडी वो पीएम में हैं। मतलब मैंने शायद क्लास में नहीं लिया होगा क्योंकि वो सिमिलर सम क्लास में कराया हुआ है। जैसे एक सम आपको टीक्यूएम का मैंने पिछले दिन कराया था, तो वो सम आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, अभी दो टर्म पहले वो एग्जाम में आया हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि नया मैट का प्रैक्टिकल समय तो एकदम नया ही समय है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत ये सब जो केस स्टडी बीच बीच में डाला है ये नया है, ये पहले नहीं होता था। ऐसा जो पर्पल कलर में जो आ रहा है या आपका मैट में ग्रे कलर में जो आ रहा है शेड में, ये एक नया पोर्शन जरूर है। ये सेम सम किया हुआ है हमारा, सेविंग्स इन जेआईटी सिस्टम का पूरा सेम सम किया हुआ है, बस फिगर चेंज है। तो इसमें हम लोग को इन्वेस्ट नहीं करना समय। हाँ ये कमेंट जरूर पढ़िएगा, कमेंट्स में अब जो कमेंट लिखने का तरीका है उसमें नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को भी हम लोग हाईलाइट करते हैं। देन काइजन भी आपको सिखाया हुआ है दोस्तों। काइजन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, काई मतलब, काई माने कंटिन्यूअस एंड जेन मतलब इम्प्रूवमेंट। तो ये तो बेसिक आपको पता ही है। और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के सजेशंस कहां से आएंगे, मोस्टली सजेस्टेड बाय इम्प्लॉयज, सजेस्टेड बाय इम्प्लॉयज, यही काइजन का असली मीनिंग है। बेसिकली काइजन ये बोलता है कि यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यू कैनॉट जस्ट लीव द थिंग्स टूडे द वे मे बी द बेस्ट वे यू हैव प्रोड्यूस बट टूमोरो यू हैव टू अगेन इम्प्रूव ऑन इट। इट इज सेइंग दैट स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस रूटीनली अप्लाइड एंड सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स। दिस इज द फिलोसॉफी। अगर ये फिलोसॉफी जिंदगी में उतारे तो जिंदगी भी धन्य हो जाए। सर कैसे, सर कुछ बताइए। जैसे मान लीजिए आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग सर बहुत आलसी हैं, वी आर ट्रिमेंडसली लेजी। तो लेजीनेस इंप्रूव करने का उपाय है, मैंने पहले भी बताया था आपको थोड़ा सा, कि कम से कम अपना काम तो खुद करो, अपने लिए पानी खुद ले लो, अपने लिए कपड़े खुद निकालो, अपने लिए खाना खुद डाल लो, अपना काम बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, अपना काम खुद कर ले। अगर अपने आप को हम हेल्प कर ले, दैट इज स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज, इनसिग्निफिकेंट नहीं, इट्स अ स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज, इफ रूटीनली अप्लाइड कैन एक्चुअली ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज।
जैसे वो लोग बोलते हैं ना, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज नहीं होता मेरे से, कैसे करे कैसे करे, कैसे भागे कैसे करे, मन तो बहुत करता है लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज कैन बी, सुबह बेड से उतरा और जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही 5 मिनट वहीं पे खड़े खड़े, फिर जो करना है कर लो। अरे नहाने का टाइम नहीं मिलता, नहाते नहाते कर लो। मेरे को एक डॉक्टर ने बोला जब वैसे, तो मैं उनको भी यही बात बोला, आप मेरे वर्कलोड पे आके देखिए, सुबह आँख खुलता है तो बस लगता है भागे और रात को आते ही सो जाते हैं। तो वो सारा सिचुएशन को समझे बस। लेकिन सजेस आपको करना तो पड़ेगा ही, वरना तो चलेगा नहीं। तो क्या करे क्या करे कैसे करे, तो आप पढ़ाते कैसे, बैठ के खड़े होके, खड़े होके तो खड़े खड़े कर लो, वहां पे करो। उपाय नहीं है, दुनिया वाला जो सोचे, करना तो पड़ेगा ही जीने के लिए। तो भाई मैं तो यही सोचता हूँ कि चलो गाड़ी में बैठा हूँ, थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, डीप ब्रीदिंग तो करें कम से कम। और उतरते समय, जैसे घर से उतरते समय अगर हो तो फटाफट उतर जाए। स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज, मतलब एक होता है आराम से उतर रहे, एक होता है फटाफट उतर जाए, इतना सही तो वेरिएशन लाए। तो भाई मैंने तुरंत क्या किया ना, स्पोर्ट शू खरीद लिया, कि डेली स्पोर्ट शू पहन के निकलते घर से, चाहे कोई भी ऊपर यूनिफॉर्म हो नीचे स्पोर्ट शू ही है, कि इस बहाने क्या पता कब मूड चेंज हो जाए मेरा। मन तो ये करता है कि पूरा जॉगिंग ड्रेस ही पहन के निकले, कि यहीं पे इतना बड़ा गैलरी है यहीं पे भागे, लेकिन उतना परिवर्तन ला नहीं पाए कि नहीं ये फॉर्मल ड्रेस तो रहने दो, रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, बट स्पोर्ट शू पहन लो क्या दिखता है। तो कभी भी मन किया ना फटाफट चलना शुरू, तो थोड़ा वॉकिंग हो जाता है, थोड़ा सा फिटनेस लगता है। स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज इफ अप्लाइड कंटिन्यूअसली कैन रियली ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज। इसका मैं एक एग्जाम्पल पहले भी आपको कभी दिया हूँ कि नहीं मुझे याद नहीं है। मैं अक्सर ये एक एक्सेल का कैलकुलेशन है, मैथ्स का कैलकुलेशन है, उससे दिया करता था। यहाँ पे आता है क्या, कैलकुलेटर? यू सी दिस कैलकुलेटर, से एवरी डे वी आर गिविंग 99% एफर्ट टू आवर सेल्स इन ऑर्डर टू लिव आवर लाइफ। नॉट 100% वी नो, वी डोंट गिव 100%, वी गिव 99% से। सो 0.99 एवरी डे इट इज देयर टू द पार इनटू, एवरी डे चल रहा है ना 365, शुड गिव मी रिजल्ट। सो माई एनुअल रिजल्ट इज कंपाउंडेड एज 99% एवरी डे दे रहे, 0.99, 365 डेज, रिजल्ट देखिए 2%। इमेजिन, आप सोचते 99% दिया और क्या दे, बट 365 दिन देने के बाद वो बन जाता क्या 2%। तो इनपुट आउटपुट रेशियो समझ रहे हैं आप, कितना मेहनत करते तो कितना नतीजा आता है। तो कोई ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो कि 2% 0.02 जो है उसको ड्रास्टिकली हम इम्प्रूव करें, तो यू डोंट नीड टू चेंज द एंटायर थिंग ऑल टुगेदर। व्हाट यू कैन डू इज काइजन। काइजन इज अ स्मॉल चेंज इन एवरी डेज अफेयर, एंड स्मॉल चेंज इज से 1.1, 0.99 से 1.01, 1 क्यों जाते हैं, 2% एक्स्ट्रा। कैन यू इमेजिन व्हाट कैन बी द रिजल्ट, 1.01, ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ 2%, बट एवरी डे टू द पार 365। सिंपल मैथ्स, सी द रिजल्ट, 37 टाइम्स।
कहां 0.02 पे बैठे थे, 1 भी नहीं था. 0.02 मींस 1 भी नहीं था, 1 की जगह 37 आ गया. तो लीप कितना बड़ा हो गया. बट दैट हैपेंड व्हेन यू इंप्रूव्ड 2% एवरी डे. तो दैट्स व्हाट काइजन इज अबाउट. काइजन फिलोसॉफी इसी चीज को सिखा रहा है कि इफ यू इंप्रूव लिटिल बिट ऑल्सो टूडे देन यस्टरडे, लिटिल बिट, वन एक्स्ट्रा थिंग इफ यू कैन डू विच यू विश टू डू, टूगेदर वेन इट एक्यूमुलेट्स इट रियली बिकम्स अ बिग थिंग वन डे. स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस रूटीनली अप्लाइड एंड सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स. दिस इज द फिलोसॉफी बिहाइंड काइजन. तो ये सबको अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए, हल्का सा कुछ परिवर्तन अपने आप में हर दिन लाइक आज से मैं ये गलत काम ऐसे नहीं करूंगा और उसको सस्टेन करिए. हम लोग ये नहीं बोल रहे चलिए कि आप हर रोज बदलाव लाइए, चलिए हफ्ता में एक लाइए, महीना में एक लाइए, बॉस के साल में तो एक लाइए, तो उसका भी इकट्ठा होके 10 साल बाद कुछ तो नतीजा बनेगा ही. एक दिन में परिवर्तन नहीं आता है. काइजन के से आगे निकलते हैं तो काइजन में काइजन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आ रहे हैं. इट सीक्स ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट. हल्का सा चेंज, नॉट वी आर नॉट सीइंग द चेंज हैज टू बी अ ड्रास्टिक और ड्रामेटिक इंस्टेंटली. इट इनकरेजेस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. There are no limits set to the level of improvements that can be implemented. Kaizen involves setting standards. Dekhiye ek point, setting standards and then continuously improving these standards. Matlab aisa nahi ki standard ko bana ke chhod dena hai. You have to change standards periodically. Change standards periodically. If you continue with the same standards, that means you are not improving. And of course, 7 waste should get reduced by continuous improvement. Okay, and involve all employees and all areas of business. This is most important point of Kaizen, that it should come with the employees, not only from you. Okay, this example you can read, case study is there. Here I don't have any role. Matlab mujhe itna attractive nahi laga example bhi. ये एग्जाम्पल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था. ये MIL, ये भी एग्जाम में आया हुआ है आपके. मतलब दिस MIL हैज ऑलरेडी बीन एन एग्जाम क्वेश्चन. RTP MTP में भी घुसा हुआ है. आप लोगों बुक में ही नहीं है. पीछे है बोल रहे हैं. वो थोड़ा बहुत मैंने बोला ना, बुक्स हर दिन चेंज हो रहे हैं. मैंने जो डाउनलोड किया, मैं जिससे पढ़ा और आपको जो मिला वो थोड़ा सा अलग है, एक दो पेज का हेर फेर है. अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इलस्ट्रेशन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट काइजन वर्सेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. काइजन कॉस्टिंग वर्सेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो मैं एक ब्रीफ सिनॉप्सिस आपको बता देता हूं. काइजन में यू राइट, नंबर 1, सेट स्मॉल स्टैंडर्ड्स एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूअसली. PwC में हमारे कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं. उन लोगों ने एक फिटनेस ड्राइव अपने आप में चालू किया. कैसे, एक ऐप बताया उसने जो स्टेप्स काउंट करता है, कितना स्टेप आपने वॉक किया. तो उस ऐप का फायदा क्या है कि उस ऐप में, वो शायद एप्पल का ही फिटनेस ऐप है बेसिकली. एप्पल, सबके पास एप्पल फोन्स है वहां पे. तो उन्होंने क्या किया, वो ऐप अपने फोन में रखा हुआ है,
और वो ऐप ऑफलाइन भी डेटा लेते रहता है, मतलब आप वो फोन लेके चलते रहिए, वो स्टेप्स काउंट कर रहा है और बता रहे कितना किलोमीटर आपने वॉक किया। तो उन्होंने कंपटीशन बना रखा अपने आप में, जैसे फिर डेटा से वो ऐप कनेक्ट होता है, वो सारा डेटा को सिंक कर लेता है, ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें हर मेंबर ने कितना वॉक किया है, तो जो लॉन्गेस्ट वॉकर है उसको ये लोग आपस में ट्रीट देते हैं। विद इन द एम्प्लॉइज अपना चल रहा है इनका जो ज्यादा वॉक कर रहा है, जो मतलब वो ज्यादा फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अपने बारे में कॉन्शियस है, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन रहा है, अपने आप में ट्रीट का सिस्टम बना रखे। शुरू करना चाहिए आप लोगों को ये सब, वो लोग अभी कर, इतना दिन के बाद करें, आप लोग तो अभी कर सकते हैं। बचपन में ना एक यहाँ पे गेम खेलते थे स्कूल में, दाग लगा के जाते थे, एक तो डॉट नहीं होने से पेनल्टी देना पड़ेगा, तो रोज सुबह उठ के नींद से पहले दाग मारते थे, या नहा के आके पहले जैसे टीका लगाते पूजा करते वैसे वहां पे दाग मार के जाना। आज बोले क्या कर रही है, बोला अरे आपको नहीं पता मम्मी क्या है, आज पूरा इज्जत चला जाएगा वरना जाना ही होगा। तो बस ब्रेक जैसे ही फ्रेंड लोग मिलेंगे, ब्रेक में पहले दाग मिलेंगे। हाँ जॉली, वैसे ही आप लोगों को करना चाहिए फिटनेस ड्राइव। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब आते हैं तो इट इज सेटिंग लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड्स, लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टैंडर्ड्स, जिसको बदलते नहीं टाइम टू टाइम। अनटिल अनलेस कोई पूरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइन ही चेंज हो रहा है, हम लोग बदलना नहीं चाहते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स को। नंबर टू, इधर फोकस इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन, यहां सोचते हैं कि कैसे और कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, तो स्टैंडर्ड को छेड़छाड़ करना पड़ता है, बट इधर फोकस इज ऑन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मतलब कि जो सोचा उसके इर्द गिर्द ही काम हो, एक्स्ट्रा ना लगे। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड, कॉस्ट रिडक्शन मीन्स यू विल रिड्यूस द स्टैंडर्ड। थर्ड इज इम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज मस्ट, और यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वी डोंट टेक एनी एम्प्लॉय डिसीजंस, नो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यू कैन से इट इज ट्रेडिशनल वे ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज क्वाइट ट्रेडिशनल, बहुत पुराना पढ़ाई है ये, बट काइजन इज योर लेटेस्ट मॉडर्न थिंकिंग। जैसे कभी खुशी कभी गम में थे ना हमारे अमिताभ बच्चन जी, कह दिया ना बस कह दिया, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, यही पूरा यहाँ पे दोस्तों डिस्कस किया जा रहा है केस स्टडी में, ए बी सी बोल के, जिसको मैंने समराइज करके आपको पढ़ा दिया, आप ऐसा समझ लीजिए। अब आपका काम है ये रीड करके खत्म करना, आपका एफर्ट वापस है मेरे से, आप लिवरेज ले रहे हो, समय कम हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है आपका, आपका समय जीरो नहीं हो सकता कभी भी। देन 5S तो काफी बार पढ़ लिया हम लोग, आगे बढ़े, ये JIT में पढ़ाया ही था मैंने, 5S ऑफ JIT, सॉर्ट करो, सस्टेन करो, स्टैंडर्डाइज करो, शाइन चमका के रखो, और हाँ सेट इन ऑर्डर। अब इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो एक केस स्टडी है, एप्लीकेशन ऑफ 5S इन वेब बेस्ड ऐप मिला। दिस इज आई थिंक अ न्यू थिंग दैट यू शुड नो, जिसमें बोल रहा है 5S से अगर एक कंपनी को अपना वेब बेस्ड ऐप बनाना है तो कैसे बनाएगा। तो इसमें जैसे 5S में मैंने आपको सिखाया था कि क्या चीज सजा रहे हैं हम लोग, किस चीज के लिए था वो 5S, हाउ टू ऑर्गेनाइज व्हाट टूल्स, बट वेब बेस्ड ऐप में नाउ देयर इज वेब टूल्स, ऐप के जो फीचर्स होते हैं ना वो तो वेब टूल्स ही है, तो वो वेब टूल्स को किस तरह से 5S में सजाना है। तो सॉर्ट करके रखो, मतलब जो काम के आने वाले टूल्स हैं उसको
लाइन बाय लाइन अरेंज करके रखो, सॉर्ट करो मतलब अननेसेसरी एलिमेंट्स को हटा दो, सॉर्ट करो मतलब अननेसेसरी को हटा दो, ओनली एसेंशियल थिंग्स को रखो, सेट इन ऑर्डर मतलब जो पहले यूज होता है या जो ज्यादा यूज होता है उसको पहले रखो, जो कम यूज होता है उसको बाद में रखो, है ना। शाइन मतलब आप उसका डीबग करते रहो, कोई एरर आ रहा है तो हटाते रहो, आप शाइन कराओ मतलब उसमें ये बोलना भी चाह रहे कि लुक उसका, ग्राफ अपीयरेंस ग्राफिक्स अच्छा रखो, रीडेबल रखो उसको। स्टैंडर्डाइज मतलब आप स्टैंडर्ड कोडिंग के थ्रू उसको बनवाइए, कीपिंग द कोड यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, कंटेंट क्लियरली सेपरेटेड। ये अच्छा यहां पे क्या है, यूजिंग प्रॉपर सिमेंटिक वर्क, सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है पता है क्या, सिमेंटिक मतलब सिमेंटिक नहीं, सिमेंटिक मतलब होता है जैसा दूसरा सोच, दूसरे सोचते हैं, यूजर्स सोचते हैं, इसको यूजर एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, जैसा यूजर्स सोचते हैं, जैसा यूजर्स उसके सोचते हैं, यूजर्स उसके बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा यूजर्स सोचते हैं, ठीक है। और जो कर रहा है उसको सस्टेन करो। ये सिमेंटिक इज लाइक बोलते हैं ना, दूसरों के कदम पे जाके सोचना, स्टेपिंग इनटू समवन एल्स शूज एंड थिंक, कि हमने ऐसा बना दिया बट सामने वाला कैसा परसीव कर रहा है, दैट इज सिमेंटिक। चाइनीज विस्पर खेले, चाइनीज विस्पर, कान में खुशबू, कुछ एक वर्ड बोलेंगे और लास्ट में निकलेगा खुशबू। अगर आप एक वर्ड बोल दीजिए लोटस, तो लास्ट तक जब वो पहुंच के बोलेंगे इसके कान में बोले लोटस, उसको क्या समझ में आया पता नहीं, वो कुछ और बोल देगा, वो कुछ और बोल देगा, वो कुछ और बोल देगा, लास्ट वाला से पूछो क्या बोला तो बोले खुशबू, वो समझ नहीं आया क्या बोला, वो वर्ड इतना डाइल्यूट हो जाता है। तो उसी तरह से ध्यान से, उसी तरह से ये जो दूसरे समझ रहे हैं इसको ही बोलते हैं सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, दूसरा जो समझ रहे हैं वो डिस्टॉर्ट हो गया, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्ट नहीं होने देना चाहिए, इसलिए ऐसा वेब बेस बने, वेब बेस ऐसा बनना चाहिए जिसमें सिमेंटिक डिस्टॉर्शन ना हो, यही पॉइंट यहां पे रेज कर रहा है स्टैंडर्डाइज वाले में। नेक्स्ट आ रहा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, या लेट्स टेक अ ब्रेक, इसमें टाइम भी लगेगा।